ये आदमी कौन है? ये आदमी नहीं है, मैं हूं। कौन है तुम? मैं वो हूं जिससे तुम खौफजदा हो रही हो, और ठीक खौफ आ रहा है तुम्हें। मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह करने की पूरी सलाहियत रखता हूं। मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारी गर्दन में वो छुरी उतारने आया हूं जिसका अक्स तुमने तस्वीरों में देखा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े सरकार कहीं गए हैं क्या? बड़े सरकार तो शहर से बाहर गए हैं एक हफ्ते के लिए। अच्छा, आप यहीं होते हैं? जी मैं यहीं होता हूँ, मैं दरबार का खिदमतगार हूँ, बस बड़े सरकार से फैज हासिल कर रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल हमीद है। आप फकार मियां के रिश्तेदार हैं? जी। रायान भी बड़े सरकार के साथ गया है क्या? छोटे सरकार नहीं, वो तो यहीं है। तो अभी कहाँ होंगे वो? अरे यहीं किसी कोने में बैठे तस्बीह कर रहे होंगे। आइए मिलवा देते हैं आपको, आइए। मुझे इस तावीज से बचा लिया, ये तो आज मेरी भी जान ले लेता, बिल्कुल आतिफ साहब की तरह। तो आप क्या कहना चाह रही हैं कि इस वाकये का ताल्लुक मेरे और मेरे बेटे से है? मैं मोना से कनेक्टेड हूँ, उसने मुझे तमाम सूरत हाल बताई है। आतिफ साहब के साथ क्या हुआ, उससे पहले आपके कजन, वो जमान, फिर वो वकील, और अब मैं, मेरी तस्वीर में भी वही कुछ आया। दरअसल मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जिससे वो मुझे रोकना चाहता है। मुजीन है, ये कौन है मैं नहीं जानती। ये फ्रेम रैप सीसीटीवी कैमरे से निकाले गए हैं। मिसेस रिजवान, इस एक तस्वीर को देख के आप चाहती हैं कि मैं आपकी कही सारी बातों को मान लूं? अरे इस तस्वीर को देखिए, मेरा बच्चा कैसे उसे उछाल के फेंक सकता है? वो बच्चा कोई जिमनास्ट लग रहा है या फिर इसको कोई स्पेशल इफेक्ट दिया गया? प्लीज, आई डोंट बिलीव ऑल दिस। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? आप देखिए, ये देखिए कि इसके अंदर जो शख्स नजर आ रहा है वो आप नजर नहीं आ रहा। यकीनन मिसेस अदनान, आपका बेटा पजेस। बस करें मिसेस रिजवान, प्लीज। मेरे बेटे को आप स्कूल से निकाल चुकी हैं ऑलरेडी, तो इन सब बातों का
कोई एनीवेज आज के बाद आप मुझसे कांटेक्ट मत कीजिएगा. थैंक यू. देखिए सुनिए मिसेज अदनान, इसमें मेरा कोई फायदा और नुकसान नहीं है. आपका बच्चा और उससे जुड़े हर शख्स की जिंदगी को खतरा है. लोग मर रहे हैं. अच्छा तो मैं भी उसी के साथ ही जुड़ी हूँ, उसके साथ रहती हूँ, माँ हूँ उसकी मिसेज रिजवान, मुझे क्यों नहीं कुछ होता. थैंक यू. डीएनए की रिपोर्ट तो ठीक आई है, ये तो खुशी की बात है. हाँ लेकिन रायान गया कहाँ? छोटे सरकार बहुत ही समझदार और जीरक है. उन्होंने जो भी कदम उठाया है सोच समझ के उठाया होगा. मगर हमारा पोता तो हमें मिलके भी नहीं मिला. कितनी तकलीफ दे बात है ये. छोटा सा बच्चा है, पता नहीं कहाँ होगा. अदनान तुम्हें उसे वहां छोड़ना ही नहीं चाहिए था. डीएनए की रिपोर्ट आ जाने देते, नेगेटिव आती तो छोड़ देते. अब्बा वो वहीं पला बड़ा है, 7 साल गुजारे हैं उसने वहां. अब कहां तलाश करेंगे उसे? मजार के आसपास तो किसी को कुछ मालूमात नहीं है, लेकिन पुलिस में भी तो नहीं जा सकता ना मैं, मेरे पास तस्वीर ही नहीं है रायान की. अदनान वो बच्चा, अगर बुरखान ने उसके साथ भी कुछ गलत कर दिया तो? छोटे सरकार रूहानी तौर पर बहुत ताकतवर है, ये मामूली जिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. डीएनए के रिजल्ट के बारे में तो आप लोगों को नहीं पता था, लेकिन छोटे सरकार पहले से जानते हैं. वो जानते हैं कि वो आपके बेटे हैं, इसलिए वो अपनी और आप सब लोगों की हिफाजत करना जानते हैं. मुझे इस तावीज ने बचा लिया, ये तो आज मेरी भी जान ले लेता, बिल्कुल आतिफ साहब की तरह. मेरी तस्वीर में भी वही कुछ आया. दरअसल मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ जिससे वो मुझे रोकना चाहता है. मुझे न ये कौन है मैं नहीं जानती. आप देखिए, ये देखिए कि इसके अंदर जो शख्स नजर आ रहा है वो आप नजर नहीं आ रहा. यकीनन मिसेज अदनान आपका बेटा पोजेस है. आपका बच्चा और उससे जुड़े हर शख्स की जिंदगी को खतरा है. लोग मर रहे हैं.